Very good morning to all of you, my dear students. In the last video, I discussed about the merits of the democracy. What is democracy? Meaning of democracy? From where the word democracy has emerged? So all about that we have read in the previous video. So in this video, students, what are we going to read? We are going to read the demerits or drawbacks of democracy. As you know that it is said the best form of the government, but after all there are something that can be called the demerits of democracy. जो इस democracy में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें इसमें नहीं होना चाहिए और जो इसके demerits को बनाती हैं. So leaders keep changing in democracy. इस डेमोक्रेसी में लीडर्स जो होते हैं वो बदलते रहते हैं. एक्चुअली स्पेशली इन इंडिया फॉर 5 years द लीडर्स आर इलेक्टेड. इफ दे आर नॉट डूइंग वेलफेयर फॉर द पीपल देन इन द नेक्स्ट इलेक्शन इट मे बी दैट दे विल लूज द इलेक्शन. सो दैट्स व्हाई लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी. दिस लीड्स टू इन स्टेबिलिटी यानी अस्थिरता का भाव आता है. सपोज दैट इन द रनिंग गवर्नमेंट सम प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड बट इन द नेक्स्ट इलेक्शन if they lose the election they will be postponed. Understood? All those projects who were launched by the running government now they will be postponed. Wo ruk jayenge. So this leads to instability. Democracy is all about the political competition and power play. Jaise dekho डेमोक्रेसी जो है इसमें हमेशा शक्ति का खेल चलता है, पावर का खेल चलता है, बाहुबल का खेल चलता है. जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, लगभग लगभग पॉलिटिकल कंपटीशन उन्हीं लोगों के बीच में होता है. देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी यानी नैतिकता का इसमें कोई रोल नहीं होता है, कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है मोरालिटी का. अगर हम चाहें ना कि डेमोक्रेसी जो है बड़ी ही अच्छी चीज़ है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो अच्छा है, जिसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, वो भी इलेक्शन जीत सकता है, आई थिंक दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम. होता है, रेयरर केसेज में ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेज में देखा गया है कि जिसके पास पॉलिटिकल पावर है वही इलेक्शन को जीतता है, वही शासन करता है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल यानी ऐसे भी लोग चुन करके जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें जिन्हें लोगों के रुचि के बारे में, जिन्हें लोगों की समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है. एंड इट लीड्स टू बैड डिसीजंस और इससे क्या होता है जो निर्णय वो लोग लेते हैं द डिसीजंस दैट दे मेक आर नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल वो लोगों से संबंधित नहीं होता है ना. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. तो ड्यूरिंग द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन आपने देखा होगा कि लोग बढ़ चढ़ के पैसा को खर्च करते हैं. उनका उद्देश्य एक ही होता है कि अगर हम एक बार चुने गए फॉर 5 years, अगर 5 साल के लिए भी हम चुने जाते हैं तो हम 5 सालों में लगभग लगभग 50 सालों के बराबर क्या कर लेंगे, मतलब अपनी कमाई कर लेंगे. तो भ्रष्टाचार जब तक होगा नहीं तब तक उनके पास पैसा आएगा नहीं. तो इट लीड्स द करप्शन ये करप्शन को बढ़ावा देता है. एंड ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम जो साधारण लोग हैं उनको तो अपनी रोजी रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं होता है तो वो क्या समझेंगे कि क्या चल रहा है, नेताओं के मन में क्या चल रहा है. तो लोग उनसे सवाल भी बहुत कम ही पूछ पाते हैं. एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो लोग तो डिसाइड करते नहीं हैं. वो तो जिनको चुन करके भेजे हुए हैं वो डिसाइड करते हैं और लोगों को इधर फुर्सत नहीं है कि नेता क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम जानते रहें, उनसे क्वेश्चन पूछते रहें. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से इनस्टेबिलिटी को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, लीड करती हैं. सो दीज आर सम डिमेरिट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये कहा जा सकता है कि इसमें वैसे लोग नहीं जीत सकते जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है या फिर जिनकी पहुँच नहीं है. ओके, सो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सी डिस्टिंग्यूश बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेज हैं. फर्स्ट, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज द रूलर्स आर अकाउंटेबल टू पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स. चलो कुछ हद तक मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी जो है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज पीपल इलेक्ट देयर ओन रूलर्स एंड दोज रूलर्स आर आंसरेबल टूवर्ड्स द पीपल.
जो चुने हुए लीडर्स हैं वो अपनी जनता के प्रति क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं या उनके सवालों का जवाब देते हैं या अपना लेखा जोखा देते हैं। बट इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रूलर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल एंड देयर नीड्स। जो लीडर्स होते हैं वो अपना लेखा जोखा लोगों को नहीं देते, मीन्स दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल एंड देयर नीड्स। उनकी आवश्यकताओं से उनको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनको चुनने वाले जो लोग होते हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म को बनाते हैं। जैसे राजशाही हो गया, मोनार्की हो गया, उसमें लोगों की कोई सहभागिता नहीं होती है ना। उसी तरह इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हैव राइट टू डिसीजन मेकिंग। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग जो होते हैं अपने खुद के पसंद के रूलर्स को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो इस तरह जो उनका निर्णय होता है यानी लोगों की जो समस्या होती है उसी से जुड़े हुए डिसीजन वहाँ के लीडर्स ले पाते हैं। द पार्लियामेंट इज़ द सेपरेट बॉडी एंड हैज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी। यानी पार्लियामेंट एक अलग बॉडी होता है और इसमें आर्मी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। यहाँ पर लीडर्स ही सब कुछ होते हैं। बट इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल डज नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हैव नो राइट इन डिसीजन। जाहिर सी बात है, वो राजा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तानाशाह से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी। यानी बिना आर्मी के जो चीफ हैं उनसे राय लिए हुए पार्लियामेंट से कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता है। ओके, दीज आर सम डिफरेंसेस। एंड अगेन, द एनी सिटीजन कैन एस्पायर टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर एनी पोस्ट इरेस्पेक्टिव टू ऑफ हिज केस रिलीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि भारत में जो डेमोक्रेसी है उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रिलेशन, किसी भी जगह का क्यों ना हो, वो क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। जितना नहीं जितना वो अलग बात है, बट ही कैन कंटेस्ट। ओके, द सिटीजन ऑफ कंट्री हैव नो राइट टू वोट। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो सिटीजन हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ओके, कुछ और डिफरेंसेस को देखेंगे स्टूडेंट्स। डेमोक्रेसी इज द बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल एंजॉय देयर राइट्स ऑफ डिस्कशन। यानी डेमोक्रेसी जो है वो कंसल्टेशन बेस्ड गवर्नमेंट है, जिसमें लोगों के राय विचार से ही ये सरकार चलती है, क्योंकि जनता ने ही अपने शासकों को क्या किया है, चुन करके भेजा है। तो डिस्कशन जो होता है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। एंड डिसीजन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लॉन्ग डिस्कशन। जो भी डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग डिस्कशन पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। उसके लिए कई मीटिंग्स होती हैं, तब जाके कोई लॉ पास किया जाता है। There are free and fair elections. Okay, ये एक डिमेरिट में भी आता है। भले ही यहाँ पर फेयर और फ्री इलेक्शंस पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें सुधार भी हुआ है। Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change their current rulers. यानी जो elections हैं वो लोगों को ये क्या देते हैं, मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि the rulers who have not done well can be not elected in the नेक्स्ट इलेक्शन। वो अगले इलेक्शन में उनको न चुना जाए। बट इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दीज ऑल थिंग्स नॉट हैपन। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, तानाशाह पर आधारित है, जैसे हिटलर हुआ करते थे जर्मनी में, है ना। द रूलर्स डज व्हाट ही विशेस। यानी इसमें वो रूलर्स जो होते हैं वो करते हैं जो उनकी इच्छा होती है, लोगों से उनको कोई मतलब नहीं होता है। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शंस आर आइदर नॉट held and if they are held not fair enough, rather they are imposing. Non-democratic government, student, in non-democratic government elections होना ना होना ये अलग बात है, और रही बात election होंगे भी नहीं, लेकिन अगर होते भी हैं ना तो वो जो होते हैं free and fair election नहीं होते हैं, ठीक है। एक तरह से वो impose कर दिया जाता है जानबूझ के कि हाँ चलो election हुआ और फिर से वही जीत गए। तो ये जो है एक non-democratic government की सबसे बड़ी demerit है, ठीक है। उसके अलावा देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल इंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप जानते हैं वी हैव गॉट सम फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के द्वारा ही हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले, भले ही उसके साथ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो अटैच्ड, जुड़ी हुई है, जिसको हम फॉलो करें ना करें ये तो हम जानते ही हैं।
बट एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, बट इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल डू नॉट इन्जॉय देयर फंडामेंटल राइट्स. यानी लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला होता है, वो एक तरह से उनके ऊपर शोषण किया जाता है, वो मजबूर होते हैं उस राजा या उस मोनार्क या फिर उस तानाशाह के शासन को झेलने के लिए. दे एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया एंड जिम्बाब्वे, जिसमें मुगाबे का शासन चला करता था, उसी तरह जर्मनी में हिटलर का शासन चला करता था. सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट यू सॉ देयर. ओके, बट व्हाट हैपेंस इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी? टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी आर देयर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. सो डायरेक्ट democracy is a political setup where people themselves makes the laws and parliament directly in functioning of the body of the government. यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे भारत को ले लो, इसमें elections होते हैं, leaders चुने जाते हैं, और parliament में ही, parliament एक ऐसी governing body है जहाँ पर बैठ करके पूरे देश को क्या किया जाता है, चलाया जाता है. लेकिन वो जो rulers होते हैं, all those rulers who sit there and make laws for the people, they are elected by the people. Means directly people are involved in decision making. So such form is known as direct democracy. And decisions are based on the majority of opinion. यानी बहुमत के आधार पर, यानी वहाँ पर जो भी decisions होते हैं, जो भी law pass होते हैं, अगर वो बहुमत में है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अगर उसके पक्ष में हैं, then it is decided there. So it is suitable for the geographically small countries with less population. और ये ऐसे देश जैसे, लेकिन भारत के लिए तो ये अपोजिट हो जाता है, भारत तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन ज्योग्राफिकली जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं और कम जनसंख्या है, वहाँ के लिए ये काफ़ी सूटेबल होता है. जो चला करता था जैसे एंशियंट ग्रीक में रोम एंड इंडिया, और मॉडर्न पीरियड में कहाँ चलता है, स्विट्जरलैंड. सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज देयर, ठीक है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, बट इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है स्टूडेंट्स? इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग द फॉलोइंग इन डेमोक्रेसी, मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं कुछ देश. जैसे इट इज द सिस्टम विच द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल एंड दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. जो लोगों के आधार पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं. दे आर सो सेंसिटिव एंड कैटर द नीड्स ऑफ ओपिनियन ऑफ द पीपल. इंडिया है, फ्रांस है, यूएसए है ना, इसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चला करता है. जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्राचीन भारत में भी क्या होता था, चला करता था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ओके, सो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल. ओके, थैंक यू वेरी मच.